Hey beauties, assalamu alaikum, welcome back to my channel. How are you all? It's me Nida. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये स्मोकी आई मेकअप लुक. सो ये एक इंस्पायर आई मेकअप लुक है. तो ये इंस्पायर है दीपिका पाडुकोन से. सो मैं उनकी एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ जिस लुक आई लुक को रिक्रिएट किया है मैंने. उसकी उनकी वो पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी. सो दीपिका पाडुकोन के इस आई लुक को मैंने रिक्रिएट किया है. तो ये स्पार्कलिंग स्मोकी आई लुक है. सो मैंने भी ये सेम आई लुक रिक्रिएट किया है. आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आप लोगों को पसंद आए. तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी. एंड डोंट फर्गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ निविया मॉइस्चराइज़र. तो मैं यहाँ पे निविया मॉइस्चराइज़र की क्रीम यूज़ कर रही हूँ और मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर किए हैं ग्रे कलर के. नेक्स्ट अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रॉ पेंसिल. तो ये पेंसिल है, टू शेड इसमें अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड ब्राउन. तो ये पेंसिल, इस पेंसिल की हेल्प से मैं अपनी ब्राउज को फिल करूँगी अच्छे से, जैसे मैं यूजली करती हूँ. क्योंकि मैं यहाँ पे ब्राउन शेड की हेल्प से अपनी ब्राउज को फिल कर रही हूँ, क्योंकि दीपिका पाडुकोन की जो ब्राउज फिल है वो ब्राउन वॉर्म शेड्स में फिल है. तो मैं सेम शेड ब्राउन शेड्स की हेल्प से ही अपनी ब्राउज को फिल कर रही हूँ. यहाँ पे मैं अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी अच्छे से. ब्राउज को अच्छे से फिल करने के बाद मैं उसे एक स्पूली की हेल्प से अच्छे से कॉम कर लूँगी, ताकि जो भी प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मेरी ब्राउज में. तो इसलिए मैं स्पूली की हेल्प से अपनी ब्राउज को कॉम कर लूँगी अच्छे से. अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेवन हेवेंस का फोटोजेनिक कंसीलर और उसकी हेल्प से अपनी ब्राउज को नीट दिखाने के लिए एक फ्लैट शेडर ब्रश में एकदम थोड़ा सा कंसीलर को पिक कर रही हूँ और उसकी हेल्प से अपनी ब्राउज को नीट कर रही हूँ, ताकि मेरी ब्राउज शार्प दिखे. यहाँ पे मैंने अपनी ब्राउज को राउंड शेप में फिल किया है, जैसे कि दीपिका पाडुकोन की ब्राउज राउंड शेप में है. सो मैं अपनी दोनों ब्राउज को इस फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से कंसीलर पिक करके अपनी ब्राउज को अच्छे से नीट कर लूँगी. कंसीलर को मैंने अपने आईलिड और अंडर आई पर लगाया है पिगमेंटेड एरिया को हाइड करने के लिए और मैं यहाँ पे एक स्पंज की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं सेम लैक्मे के कॉम्पैक्ट पाउडर से सेम स्पंज की हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से पैडिंग मोशन में सेट कर रही हूँ, पैड कर करके, ताकि कंसीलर क्रीज ना करे और अच्छे से सेट हो जाए. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज का आई शेडो पैलेट और उसमें से मैं ये ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और इसे अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से एज अ ट्रांजेक्शन शेड, ताकि मुझे मेरी अच्छी पूरी आईलिड एक आईलिड बेस प्रोवाइड हो जाए बाकी का आई मेकअप करने के लिए. सो मैं सिंपली इस ब्राउन शेड को अपने आउटर वी पर प्लेस करते हुए अपनी क्रीज लाइन से अबव और क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. क्रीज लाइन में आई शेडो को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ काजल. सो यहाँ पे मैंने पिक किया है ब्लू हेवन का काजल, ये जस्ट 15 रुपीज़ का आपको इजीली अवेलेबल है. सो इसकी हेल्प से मैं बस अपनी सेंटर आईलिड पर इस काजल को अप्लाई करूँगी, ना ही मैं इसे अपने आउटर वी पर अप्लाई करूँगी और ना ही इनर कॉर्नर्स पर. जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ सेंटर आईलिड पर, आपको भी बस सेंटर आईलिड पर इस ब्लैक काजल को अप्लाई करना है सिंपली, और उसके बाद आपने करना है इसे अच्छे से ब्लेंड. तो ये मैंने अपने सेंटर आईलिड पे दोनों साइड्स पर काजल को अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट मैं सेम ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर पर इसे अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने क्रीज लाइन में ब्लेंड किया था, क्योंकि मुझे इनर कॉर्नर्स तक ये कलर नहीं पहुँचाना है, जस्ट इसलिए. अपने इनर कॉर्नर पर ये शेड ब्लेंड करने के बाद मैं सेम ब्रश की हेल्प से अपने कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करूँगी.
ब्लेंड आपको बहुत अच्छे से करना है। जब तक आप अपने आई शेडोज़ को अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका स्मोकी आई लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। स्मोकी आई लुक का मीनिंग ही यही होता है, ब्लेंड 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 एंड बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना है आपको। सो आई शेडोज़ को दोनों आईज पे ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वेरिएशन लुक क्रिएट हुआ है स्मोकी आई का। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से लूँगी ब्लैक शेड और उससे सेम ब्रश की हेल्प से जहाँ भी मैंने काजल अप्लाई किया है अच्छे से उस पर पहले शेड को पैट करूँगी एंड इनवर्ट डायरेक्शन में इसे ब्लेंड करती जाऊँगी। दोनों आइज पर ब्लैक शेड्स अप्लाई करने के बाद मैं अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ सेम काजल की हेल्प से, और मैं एकदम क्लीन वे में काजल को अप्लाई नहीं कर रही हूँ। और सेम काजल की हेल्प से मैं अपने अपर वाटर लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी और मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपने काजल को स्मोक आउट कर रही हूँ और एक मैं राउंड शेप का वेरिएशन क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं पिक कर रही हूँ ब्राउन शेड और इसकी हेल्प से जो भी एजेस दिख रहे हैं मेरी क्रीज लाइन में उस ब्राउन शेड को पिक करके अच्छे से सब कुछ सीमलेसली ब्लेंड कर दूंगी ताकि मेरा आई मेकअप लुक एकदम ब्लेंडेड दिखे, कोई हार्श लाइन या एजेस उसमें ना दिखे। शेड्स को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं एक बिग फ्लफी ब्रश से सब कुछ अच्छे से अगेन ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं पिक कर रही हूँ ये आई शेडो ब्लैक कलर का शिमर आई शेडो, ये हर गर्ल्स के पास अवेलेबल होगा सो इस वजह से मैं ये आई शेडो चूज़ किया है। और इस आई शेडो को मैं अपने इनर कॉर्नर से लेके सिर्फ सेंटर आईलेट पर फोकस करते हुए अपने इस आई शेडो को अप्लाई करूँगी अपनी आईज पर, और मैं फिंगर की हेल्प से दोनों आईज पर ये ब्लिंगी वाला ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक सेम ब्रश लूँगी और उसे इसके जो एजेस हैं उसे ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से जो लोग अपने क्रीज लाइन में जो कलर अप्लाई किया था उससे मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक काजल के नीचे ताकि वो जो क्रीज लाइन का शेड है वो मेरे लोअर लैश लाइन पर अच्छे से दिखे। तो मैं उसी क्वांटिटी में अप्लाई करूँगी कि मेरा वो ब्राउन शेड दिखे। नेक्स्ट मैं सेम ब्लैक शेड पिक कर रही हूँ और इसे अपने वाटर लाइन के क्लोज क्लोज पैट कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ले रही हूँ ये गोल्डन शेड और उसकी हेल्प से अपने इनर कॉर्नर्स को एंड अपने ब्रा बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर्स एंड ब्रा बोन्स को अच्छे से हाईलाइट किया, फिर मैं फिंगर की हेल्प से ब्रा बोन के पास जो हाइलाइटर लगाया था उसे पैट कर रही हूँ ताकि बहुत ब्लेंडेड दिखे। नेक्स्ट मैं एक्सट्रीम कर्ल एमएन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं अपने लैशेस को कोट करूँगी स्लाइडली क्योंकि मैं यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन पर हार्डनी मस्कारे को अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी फॉल्सीज, तो मैं यहाँ पे हुदा ब्यूटी की फॉल्सीज यूज़ कर रही हूँ और मैंने ऑफ कैमरा अपने फॉल्सीज लगा लिए हैं। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। सो वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आई मेकअप लुक कैसा लगा। एंड डोंट फर्गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बी हैप्पी, बाय, टेक केयर।